अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ग साउंड। दिस इज़ द फर्स्ट साउंड ऑफ ग्रुप 3 जॉलीफॉनिक्स प्रोग्राम। सो हाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस साउंड, वी आर गोइंग टू यूज़ द एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स, लेटर शेप, स्टोरी एंड एक्शन, लेटर फॉर्मेशन, एंड देन देर आर गोइंग टू बी सम साउंडिंग एक्सरसाइजेस एंड जॉली सॉन्ग। So this is the idea for introducing things from vocabulary basket. You can see that here are the simple objects you can find from house. These are the gold coin chocolates. You can find them in the market, and you can also put any golden object in the basket. Grapes, garlic, game, glue, gift, glasses and glass. वोकैबुलरी बास्केट का मकसद ये होता है कि बच्चे जो होते हैं उस एज के अंदर ऑब्जेक्ट को टच करें, फील करें और देखें कि किस तरह से वो ग साउंड के साथ मैच कर रहे हैं। सेम एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं और क्लासरूम के अंदर भी। ओके, नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन वी इंट्रोड्यूस द लेटर शेप। सो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर शेप, लेट्स हैव अ लुक एट द लेटर शेप एंड लिसन टू द साउंड। Gurgle. G. 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 Okay, now this is the time for the story. This is very important to understand that you can make your own stories as well. Now here we have the picture matching story. Granny's sink was blocked and full of water. She calls the plumber. So you can see that the sink is blocked and the water is gurgling down the drain. Gurgle, gurg. You can also talk about the things in the picture, like these gloves over here, like these window glass and goat over here. Sound of the day, g. 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 Gurgle. Okay, it's important to understand that you need to talk about the things in the nature and talk about the sound and its shape and its matching letter as well. You can also show them globe, and you can go to the garden for discussing g sound. This is the time for the action. Say the sound. G. G. Gurgle. Do the action. Move your hand in a downward spiral like water is gurgling down a drain. Say g g g. Letter formation. Always start from the dot and then go around. यहाँ पर सबसे important चीज़ जो जिस वक्त बच्चे start करते हैं letter formation वो ये होती है कि जब बच्चे यहाँ से ऊपर जाने के बाद दोबारा downward movement में आते हैं तो ये उनको बड़ा hesitant feel करते हैं, बड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है कि नीचे कैसे आना है। सो उसके लिए आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं फिंगर के साथ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूवमेंट वाली। सो समटाइम बच्चे इनकरेक्टली इसको फॉर्म कर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बनाने के बाद वो नीचे से इसकी लाइन बना देते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट फिंगर का जो एक फ्लो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। इस एज में हम बच्चों को कॉपी पर या लाइन में नहीं राइटिंग करवाते क्योंकि बच्चों के फिंगर मसल्स इम्प्रूव नहीं हुए होते, तो हमारी कोशिश ये होती है बच्चों को वेट राइटिंग करवाएं, सैंड पेपर पे करवाएं, आप फ्लोर या नमक या कोई ऐसी चीज़ भी यूज़ करके जिसमें बच्चे फील करें लेटर की शेप को यूज़ कर सकते हैं राइटिंग के लिए। यू कैन पुट योर फिंगर ऑन द ट्रेसिंग डॉट, मैच द लेटर्स विद पिक्चर। मैचिंग एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। आप देखें, सबसे पहले हमने साउंड को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद साउंड की शेप को इंट्रोड्यूस करवाया, साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट्स की डिस्कशन की, फिर लेटर फॉर्मेशन की डिस्कशन हो गई, और अब हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया, मैच कर रहे हैं पिक्चर को लेटर के साथ। गूज एंड ग्लास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो अक्सर औकात इग्नोर हो जाती है। टीचर्स जो हैं वो जब लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो एक्शन भी करवा लेती हैं, फॉर्मेशन भी हो जाती है, स्टोरी भी हो जाती है, सॉन्ग भी हो जाता है, लेकिन साउंडिंग की एक्टिविटीज़ जो है ऑफ्टन जो है वो इग्नोर हो जाती हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको हर लेसन में हर साउंड के साथ करवाना बहुत ज़रूरी है. लिसन केयरफुली, इज देयर ग साउंड इन द ग्लव्स, वेयर इज इट. बच्चों के साथ डिस्कस करें कि साउंड की पोजीशन कहाँ है. गावा, साउंड की पोजीशन क्या है. शुरू शुरू में बच्चों को बिगनिंग साउंड से ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे वर्ड भी ऐड कर दिए जाते हैं जिनमें साउंड जो है वो मिडल में आ रही है या एंड में आ रही है, ताकि जब बच्चे साउंड की पोजीशंस को फील करें तो उनको ये ना लगे कि साउंड सिर्फ बिगनिंग में ही आती है और साउंड मिडल में ही एंड में नहीं आ सकती. नेचर, गोट, गार्डन, ग्रास, ग्रास हॉपर, ग्लेशियर्स. आप नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को रियल में भी दिखा सकते हैं ताकि बच्चे उनको फील करें, टच करें. और अगर ये पॉसिबिलिटी ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको वीडियोस दिखा सकते हैं. जैसे ग्लेशियर्स हैं, जो लोग माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं वो तो दिखा सकते हैं, लेकिन जो लोग उन एरियाज़ में नहीं रहते उनकी वीडियोस दिखा सकते हैं. स्टोरी टाइम, बेड टाइम स्टोरीज़ या क्लास का, स्कूल का स्टोरी टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे बच्चे बहुत कुछ लर्न करते हैं. सो यू कैन टेल दैट द ग्रैंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो टेल द स्टोरी थ्री बिली गोट्स ग्रफ. तो इट्स अ फेमस स्टोरी. पॉपुलर स्टोरीज जो होती हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं. पहले आप उनको खुद से रीड कर लें, बाद में बच्चों को सुनाएं, पिक्चर्स भी दिखाएं, तो ये बहुत अच्छा रहता है. यहाँ पर स्टोरी टाइम में बच्चे बहुत शौक से स्टोरी सुनेंगे. एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी टाइम के अंदर आप ग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल गैलेक्सी, गैलेक्सी का आप करवाएं. डिफरेंट किस्म के चॉक्स जो हैं या पेंट्स या फिंगर प्रिंटिंग के जरिए गैलेक्सी बनवा सकते हैं. गिफ्ट्स की काउंटिंग है, स्पिन द ग्लोब है. वर्कशीट टाइम, दीज वर्कशीट्स आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दिस पर्पज एंड यू कैन सी दैट हाउ दीज आर वर्किंग. गिफ्ट ग्लव, बच्चे जो हैं वो उसको सर्कल करेंगे, साउंड को जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे, साउंड की शेप को ऑब्ज़र्व करेंगे, कलरिंग करेंगे, इसके बाद ट्रेसिंग होगी. ग्रुप थ्री साउंड्स, सर्कल साउंड ऑफ द डे. आई स्पाई विद माई लिटल आई थिंग्स एट होम. दे कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम विद द एडल्ट्स एंड फाइंड द थिंग्स बाय देमसेल्फ. दे कैन गो एंड टच द थिंग, दे कैन गो एंड लो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द थिंग एज वेल, लाइक ग्रीन ग्रास हॉपर, ग्रीन ग्लव्स. दे कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम विद द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए ये गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उनसे उनकी वोकैबुलरी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है. जब बच्चे क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो उनको यही नहीं पता चल रहा होता कि हमने क्या लिखना है, उनके पास वोकैबुलरी का एक स्टोरेज नहीं होता. तो उनके जो है आप इस गेम को एक्सपैंड भी कर सकते हैं. आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो बच्चे इनको पसंद करते हैं, गेम्स हैं जैसे. और समटाइम्स आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको सिर्फ दो या तीन कैटेगरीज में से यूज़ करके खेल लें, सिर्फ थिंग्स की गेम कर लें या प्लेस की कर लें. लेकिन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो ओरली उनके साथ ये गेम्स की जाती हैं. टंग ट्विस्टर्स जो हैं बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को वोकैबुलरी इंप्रूव करने में. बच्चे जब भी फ्री होते हैं अपने फ्री टाइम में, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए उनको एक फील आता है कि वो दे कैन डू समथिंग. गोरिल्ला गेव ग्रेस टू गोट. What else? So there are more activities for your reference. Gorilla role play, goal, grow some grass, ghost craft, glint and count the grapes, paint a glass, and the story of Goldilocks and three bears. बड़ी educational story है. इसमें जो है आप sizes भी करवा सकते हैं, manners करवा सकते हैं, and you can talk about lots of other things as well. सो दिस इज़ अ वोकैबुलरी वर्ड बैंक. यहाँ पर अगेन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्ड्स हैं ये बच्चों के लिए ना तो लिखने के लिए हैं और ना ही इनको रीड करने के लिए. इसमें सिर्फ साउंड की आइडेंटिफिकेशन है इस लेवल के ऊपर, एज 2+. आप इसमें ये वर्ड्स जो हैं बोर्ड पर भी लिख सकते हैं. सिर्फ बच्चे साउंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उस साउंड को जो वो पहले से पढ़ चुके हैं. इन वर्ड्स में वो भी साउंड हो सकती हैं जो बच्चों ने अभी नहीं की हैं. जैसे यहाँ पर मैजिक की साउंड का कॉन्सेप्ट है, यू का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे जो है इस साउंड को ना ही डिस्कस करेंगे ना ही इसको पढ़ेंगे. ये वर्ड बैंक सिर्फ ग साउंड की इंट्रोडक्शन के लिए. ओके, सो
नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर गेम्स, फॉर सॉन्ग्स एंड फॉर पोम्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज पे. नर्सरी राइम्स जो हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनसे भी बहुत ज़्यादा इनकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है. ओके, आपने देखा कि जॉली फोनिक्स अप्रोच में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फाइव सेंसेस को यूज़ किया गया है. एक्शंस हैं, सॉन्ग्स हैं, स्नैक एक्टिविटीज जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दे कैन टेस्ट ग्रेप जूस एंड दे कैन ऑल्सो टेस्ट ग्रीन पीस, और दे कैन प्ले विद द पीस एंड दे कैन मेक क्राफ्ट विद द पीस एज वेल. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड.